साहब, सलाहुद्दीन अयूबी। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, ये एक बहुत बड़ी अहम मसला है। अली मोहम्मद साहब ने भी बात की और इससे पहले यहाँ पे एक मेंबर ने भी बात की। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम है और यह मजहब इस्लाम का नाम है। मजहब मतलब क्या? इस्लाम। और यहाँ हर एक के जेब में एक फतवा है और यह मजहबी तबका कोई ऐसी चीज उन्होंने समझा है कि यह मजहबी तबका कोई ऐसी मामूली चीज है और उसके खिलाफ हर एक उठते हैं और फतवा लगाते हैं और कहते हैं कि यह दहशतगर्द। अभी आपने लब्बे को दहशतगर्द करार दे दिया और कल जमीयत को कर लो, फिर सिपा को कर लो, फिर उसके कर लो। इस तरह अमेरिका जो सबसे दुनिया में बड़े हुंडा है और उसके साथ नाटो के और पूरी ताकत के साथ एक मजहबी तबके के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़े, 20 साल लड़ाई में क्या नतीजा निकला? और ये बातें ऐसे मामूली लेना, ठीक है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप भी आशिक के रसूल हैं, अली मोहम्मद साहब भी आशिक के रसूल हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, ये हजार है, 2000 है, 10,000 है, कितने लोग हैं? और उसके खिलाफ ये आवाम जो है, ये मुल्क के बच्चों की तरह है। और आपके बच्चे अगर कोई खुदा ना खस्ता, मैं तो शरारत भी नहीं कहता हूँ, उसका अपना मसला भी है, तो आपने मुजाकरात के साथ उसके साथ बात करनी है। और आपने जो वादा किया इनके साथ, हुकूमत ने जो वादा किया इनके साथ, कि वादे में किया है कि हमने, अली मोहम्मद साहब अभी कह रहा है कि ऐवान को बुलाएंगे और ऐवान में ये मसला रख देंगे, ये वादा कब हुआ और ऐवान ने अभी तक रखा क्यों नहीं है? तो ये जो अभी अगर आप कह रहे हैं कि बगावत है, जो भी है, इस गफलत की वजह से है और ये गफलत उस पे डालना, ये मेरे ख्याल में जुल्म है। जनाब स्पीकर साहब, मुख्तसर मैं ये कह रहा हूं ऐसे बातें कि हर एक इस तरह उठते हैं और कहते हैं कि ये दहशतगर्द किसने बनाया, तो आप इस तरह ये दहशतगर्द यहां पे इस असेंबली में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अमन को तबाह किया, जिन्होंने इस मुल्क को लौटा है। और इससे आप ये आपकी बात जो मैं एक्सपेंज करता हूं उसको, जी आपने जो कहा कि यहाँ बैठी हुई लोग हैं ये दहशतगर्द, इसको मैं एक्सपेंज करता हूं। और यहाँ बैठी हुई लोगों ने जो अभी लब्बैक पे दहशतगर्द का फतवा लगाया, आप उसको क्यों नहीं एक्सपेंज करते हो? ये उसने जो दहशतगर्द का नहीं, इसने जो अभी दहशतगर्द का फतवा लगाया इन लोगों पे, उसको भी स्पष्ट कर दे, तो उससे जो मुल्क तबाह करते हैं उससे बढ़कर दहशतगर्द तो नहीं हो सकता है। मुल्क के अमन को तबाह कर दे, मुल्क की अमन अमान को तबाह कर दे। आपसे मैं पूछता हूं, ये दहशतगर्द नहीं है क्या है? जनाब स्पीकर, जरा सोच समझ के हर एक यहां पर बात कर ले। और ये जो आवाम इस तरह मुल्क क्यों वादा करते हैं, आप उनके साथ मुजाकरा क्यों करते हैं, किस एतमाद पे क्यों, किस पे एतमाद होता है? जब लब्बैक के लोगों को आपने जेल में डाला, क्यों डालते हैं? तो मुजाकरा कर ले। फिर यही चीजें हमारे मुल्क में अपने पार्टी के लिए जो हम करते हैं, यहां पे हम जो जुलूस निकालते हैं, यही बर्बादी तबाही हमने यहाँ पे बैठे लोगों सब ने किया है, सब पार्टी वालों ने किया है। यहाँ पे क्या हुआ? स्टेशन को, पुलिस को मारा, सबको मारा, तो फिर वो दहशतगर्द नहीं है? ये दहशतगर्द है? तो ये स्पीकर साहब, इस तरह नहीं होनी चाहिए। हर अमल का इरादा अमल होता है, हर अमल के इरादा अमल होता है। तो आप एक मुल्क के हुक्मरान है, सोच समझ के फैसले करनी चाहिए। बगैर सोच समझ के फैसले से हर अमल का रद्द अमल होता है। ये आप पूरी भी नहीं कर सकता है। ये हजार नहीं है, 2000 नहीं है, लाख नहीं है, ये करोड़ों लोग है। ये इस तरह नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हम सब सर कुर्बान करते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं, जुबान से नहीं। शुक्रिया, थैंक यू जी। मैं एक बात बताऊं, इस हाउस में कोई आदमी ऐसा नहीं बैठा जो हुजूर सल्लम के शान के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं कुर्बान कर सकता। हम ये देखे, मैं सबसे हाथ उठा के चाहता हूँ, हम सब आशिकी रसूल हैं, हम सब जो है ना, हमारे लिए इतना जितना मतलब हम समझते हैं कि हम जो है ना हुजूर सल्लम हमारे लिए, इसके बारे में हम कोई सियासत नहीं कर सकते। हमारे, मैंने पहले भी कहा था जी, मोहसिन दावर प्लीज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मुख्तसर जी, स्पीकर नहीं, ज्यादा स्पीकर, बात तफसीली है।
बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जिस तरह आपने कहा शुरू में कि हम सब आशिक रसूल हैं, इसमें दूसरी कोई राय है ही नहीं, लेकिन अफराद को या किसी फर्द को हम ये इख्तियार नहीं दे सकते कि वो अपने किसी भी मुतालबे को मनवाने के लिए तशद्दुद पे उतर आए। ये इख्तियार हम किसी को नहीं दे सकते। और दूसरी बात यहां पर जो जिक्र हुआ मेरे मुझसे पहले, आई डोंट नो वहां से किसने जिक्र किया, मैं कैटेगोरिकली ये बात बताना चाहता हूं कि तालिबान दहशतगर्द थे, तालिबान दहशतगर्द हैं और तालिबान दहशतगर्द रहेंगे। हम उसको किसी तरीके में से मजहब के साथ नहीं जोड़ सकते। जनाब स्पीकर, मसला हमारा ये दूसरा है। हमारा मसला यह है कि हम एक ही आग से बार बार खेलने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह बात हुई कि होनी चाहिए यह तहकीकात कि तालिबान को किसने बनाया, क्यों कर हमने कराए कि जंग लड़ी अफगानिस्तान में, और उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रद्द अमल उसका आया, फिर हमने कितना सफर किया उस रद्द अमल से, उस जंग वो जो कराए कि जंग हमने लड़ी उससे फिर हमने क्या बहसियत स्टेट हमने कितना सफर किया। इन तमाम बातों पर हमने अभी तक कोशिश ही नहीं की कि हम इस चीज को समझ सके और इस चीज की तहकीकात सके। बात आती है टीएलपी पर, जरा इसकी भी तो तहकीकात करके टीएलपी किसने बनाई। हम क्यों कर ये जो अभी जस्टिस फाइज ईसा साहब सफर कर रहे हैं, एक रेफरेंस जिसका हम वो सामना कर रहे हैं, वो क्यों सामना कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो तह तक पहुंच गए थे और उसने बता दिया था कि कौन इस चीज में मुलविस है, किससे बनाई थी ये टीएलपी। देखिए जी, सियासी नजरियात का हर एक को हक हासिल है इस मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक, लेकिन फिर इस हद तक पहुंच जाना कि आप फिर दूसरों की जिंदगी को मफलूज कर दे, फिर आप दूसरों की जो आप पर रोड अप को बंद कर दे, आप पर तशद्दुद पर उतर आए, इस चीज की किसी की भी किसी सूरत पे इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम मामूली सी सियासी गेंस के लिए, छोटी मोटी पॉलिटिकल वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते रहे हैं। हमने तालिबान को भी इस्तेमाल किया, हमने अफगानिस्तान में भी उसको इस्तेमाल किया, और यहां पर जब जिस तरह अभी बात हुई कि पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, जनाब स्पीकर आप बताएं, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, आप अली मोहम्मद खान साहब बताइए जी, आपका पॉइंट आ गया, नहीं नहीं यार टाइम बहुत शॉर्ट, अली मोहम्मद साहब जस्ट स्पीकर साहब जस्ट क्विक, आप क्विक उसको रिस्पॉन्ड करें, क्विक देता हूं जस्ट क्वेश्चन ब्रांड। सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैं यहां पे हम आराम से गुफ्तगू कर सकते हैं अगर मेंबरान चाहें, अगर मेरी बात अगर ये सुन लें, क्योंकि इनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। यहां पे लड़ने मरने के लिए कोई नहीं आया। देखिए, जो खत्म नबूवत का इशू है, जो इश्क रसूल का इशू है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी ये दोस्त जो टीएलपी के जो एक सियासी जमात थी वो निकले, वो इश्क मोहम्मद में निकले। लेकिन सिर्फ इशू ये है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ तो हुकूमत को सख्त इकदाम लेने पड़े, बाकी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो बैक वाले निकले वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में निकले, और हम जो बात करते हैं हम भी इश्क रसूल में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने कोई ऐसा फैसला खुद नहीं किया था। और दूसरा देखें, जब भी कोई आपकी मुल्क की कोई सियासी जमात या कुछ लोग आते हैं, हुकूमत उनसे बात करती है। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग आके बैठे और आप उन पर उनको क्रश कर दें या उन पर कोई एक्शन कर दें? जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, कादरी साहब आए, उनसे उन्होंने बात की। जब मियां साहब की हुकूमत थी, यही लोग टीएलपी के हमारे दोस्त आए, उन्होंने उनसे बात की, एंगेज किया। हमारी हुकूमत में दो बार ही आए, एक टाइम पे जनाब शहरयार खान अफरीदी साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने कादरी साहब के ताउन से उनसे एंगेज किया और पुरअमन तरीके से मामला हल हुआ। दूसरी बार जब ये आए हैं तो इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब और कादरी साहब ने फिर एंगेज किया। ये हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं है जो इधर आए थे, उनसे बात हुई। लेकिन मैंने दोबारा आपको ये बता रहा हूँ कि बात वहां पे होती है और होती रहती है जहां पे कोई बात आपकी सुनने के लिए तैयार हो। हमने उनसे नेगोशिएट किया और उनको यही बताया गया कादरी साहब की तरफ से, 7 घंटे उनके साथ मुस्तकिल नेगोशिएट किया कि हम आपका मुआवजा ले आएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी का कोई जुल्म जबरदस्ती की बात नहीं है। हाँ, इस बात पे सब एग्री है, पूरा ऐवान एग्री है कि कोई जत्थे को इजाजत नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है कि बजोर ताकत, बजोर शमशीर या कोई प्रेशर डाल के हुकूमत वक्त से अपना फैसला मना सके। आप अपनी बात रखें, हुकूमत अपने मामलात देखेगी और उसके बाद उस पर जो मुनासिब होगा फैसला करेगी। दोबारा ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान हो, जरदारी साहब हो, या मियां साहब हो, या आप हो, या मैं हूं, या कोई भी हो,
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये बात ही खत्म हो गई। हम सब जी, हम सब